गुड मॉर्निंग टू ऑल आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैपिटल पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है जनरली ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है लेकिन यदि क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसे अप्रोप्रिएशन मानेंगे लेकिन यदि क्वेश्चन में कुछ स्पेशली मेंशन कर दे तो फिर उसके हिसाब से काम करेंगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा और चार्ज ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो इंटरेस्ट दिया जाएगा और जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं उसको प्रॉफिट या लॉस से कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट और कैपिटल के बारे में केस वाइज डिस्कस करेंगे तीन केस यहाँ पे हम लोग का है पहला केस है केस नंबर वन वेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब पार्टनरशिप डिड साइलेंट रहता है तो इसका मतलब यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया या कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा तो नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा यदि पार्टनरशिप डीट साइलेंट है पार्टनरशिप डीट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई मेंशन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल पे केस नंबर दूसरा यदि पार्टनरशिप डीड बनाया गया और उस पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप डीड बनाया गया उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रोविजन है उस पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा गया है लेकिन यह नहीं कहा गया कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट रिगार्डिंग चार्ज और इसका मतलब कि डीड में मेंशन है, डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट देना है लेकिन ये नहीं मेंशन है कि ये इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो वैसे सिचुएशन में हम लोग हमेशा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे यदि पार्टनरशिप डीड मेंशन है इंटरेस्ट और ये नहीं मेंशन है ये चार्ज है या अप्रोप्रियशन है तो उसे हम लोग अप्रोप्रियशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे अप्रोप्रिएशन का मतलब यदि प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया जाएगा यदि प्रॉफिट नहीं होगा तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा जैसा कि यहां लिखा हुआ है इट इज ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एज फॉलो अब यदि अप्रोप्रिएशन होगा तो मैंने कहा कि प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा क्या इसका मतलब क्या लॉस के केस में दिया जाएगा नो ये पहला केस है इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड लॉस के केस में पार्टनर को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा यदि फॉर्म में लॉस हो रहा है तो वहां पे कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा देयर इज प्रॉफिट व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभी ऐसा होता है सपोज प्रॉफिट है किसी फॉर्म का प्रॉफिट है रुपीज फिफ्टी थाउजेंड और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर है सपोज ए है और बी है एक का कैपिटल है फोर्टी थाउजेंड और एक का कैपिटल है ट्वेंटी थाउजेंड सॉरी कैपिटल नहीं इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट है फोर्टी थाउजेंड और यहां पे इंटरेस्ट है ट्वेंटी थाउजेंड तो टोटल तो ये आपका सिक्सटी थाउजेंड हो जाता है सिक्सटी तो थाउजेंड यहां पे आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और प्रॉफिट पचास हजार है ये इनसफिशियंट प्रॉफिट का केस है लेकिन यहीं पे यदि प्रॉफिट एक लाख पचास हजार होता यदि प्रॉफिट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड हो जाए और कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो सिक्सटी थाउजेंड है इसका मतलब कि प्रॉफिट कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट का अमाउंट जो है ज़्यादा है तो वैसे सिचुएशन में पूरा का पूरा ये इंटरेस्ट दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो पार्टनरशिप डीड में यदि मेंशन है कि हमें इंटरेस्ट देना है और सफिशेंट प्रॉफिट है मीन्स प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट से ज़्यादा है प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो वैसे सिचुएशन में फुल अमाउंट दिया जाता है फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड पूरा पूरा अमाउंट इंटरेस्ट दिया जाएगा लॉस केस में कुछ नहीं दिया जाएगा तीसरा केस है व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट सिक्सटी है सपोज यदि प्रॉफिट हमारा ये प्रॉफिट हमारा फिफ्टी थाउजेंड हो जाए तो वैसे सिचुएशन में हम सिक्सटी थाउजेंड इंटरेस्ट नहीं दे सकते ये सिक्सटी थाउजेंड इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इस प्रॉफिट को जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट को हम लोग इस इंटरेस्ट के रेशियो में बांट देते हैं जैसा कि यहाँ पे आपका फोर्टी थाउजेंड इज टू ट्वेंटी थाउजेंड के रेशियो में इस इंटरेस्ट को बांट देंगे और ये टू इज टू वन के रेशियो में हम लोग बांट देंगे इस फिफ्टी थाउजेंड को टू इज टू वन के रेशियो में रेशियो ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो प्रॉफिट को जितना प्रॉफिट है उसी को बांट दिया जाएगा इंटरेस्ट के रेशियो में क्योंकि आपका कभी भी अप्रोप्रिएशन जो है प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता इसलिए इंटरेस्ट उतना ही देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है अब केस नंबर थ्री की बात करते हैं व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज चार्ज का मतलब चार्ज का मतलब जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया यदि इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वहां पे प्रॉफिट या लॉस से कोई मतलब नहीं है वहां पे फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो पूरा पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेशली प्रोवाइड करता है कि इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उस केस में इंटरेस्ट फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट पूरा पूरा दिया जाएगा और उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके डेबिट करेंगे क्योंकि ये इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये स्पेशली मेंशन कर रखा है एग्रीमेंट में दो तो. एक बार फिर से हम लोग नस्ट सेल में डिस्कस कर लें कि यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा फिर से केस नंबर टू में यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है कि इंटरेस्ट देना है और ये नहीं कहता है कि चार्ज है या अप्रोप्रियशन है तो वहां पे हम लोग इसे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे और लॉस के केस में हम लोग कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि अप्रोप्रिएशन का मतलब है कि यदि प्रॉफिट होगा तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसीलिए यदि लॉस होता है तो इस केस में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा यदि प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट के अमाउंट के बराबर या उससे ज्यादा रहता है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट दिया जाएगा और यदि प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट से कम रहता है तो उस केस में प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और केस नंबर थ्री है यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट देना है और इंटरेस्ट जो है यदि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा तो फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आज के स... यही समझ की जाती है धन्यवाद